बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम है जय कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हम मौजूद हैं सासाराम में कुशवाहा भवन के समीप। आज कुशवाहा भवन और मौर्य शक्ति के संगठन द्वारा गरीबों में पूरी और सब्जी का पैकेट का वितरण किया गया है। जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ के जो असहाय और गरीब लोग हैं उनको बीच में आज पूरी और सब्जी का वितरण किया गया है। आइए हम बात करते हैं मौर्य संगठन के अध्यक्ष रवि जी से। आज किस उपलक्ष्य में आप लोगों के द्वारा जो है प्रसाद वितरण किया जा रहा है? आज इस कोरोना महामारी में गौतम बुद्ध के अवतरण दिवस के अवसर पर, आज गौतम बुद्ध के जन्म दिवस हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज उनके अवतरण दिवस पर हम लोग इस कोरोना महामारी में जरूरतमंदों को, भूखे को, जो भूखे हैं प्यासे हैं, उन्हें हम लोग भोज राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन का पैकेट, पानी, मास्क, सैनिटाइजर कई टीमों के द्वारा आज वितरण किया जा रहा है। और आज से हम लोग शुरुआत किए हैं, ये अब निरंतर जब तक कोरोना लॉकडाउन रहेगा तब तक ये सेवा जारी रहेगा। हम लोगों के साथ में आज पूरी तरह मौर्य शक्ति के साथी लगातार इस कोरोना महामारी में, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कोरोना महामारी में लगातार सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। हम लोग अभी शाम तक वितरण का कार्यक्रम करेंगे। तो हर वर्ष ये वितरण होता है या फिर इस साल से शुरुआत हुआ है? कोरोना महामारी जैसे पिछले बार प्रथम लॉकडाउन लगा, सेकेंड लॉकडाउन लगा, थर्ड लॉकडाउन, जैसे जब जब लॉकडाउन लगा हम लोगों ने भोजन, पानी, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, राशन की सामग्री शहरों और गाँवों में सैनिटाइज करने का काम भी हम लोग मजबूती के साथ किए थे। मीडिया दर्शन के चैनल में भी और पेपर में भी इसको प्रसारित किया गया था। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रवि मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य शक्ति। अभी आपने सुना मौर्य शक्ति के अध्यक्ष रवि जी से, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी उन्होंने लॉकडाउन में लोगों के बीच साबुन, सैनिटाइजर एवं खाना का वितरण किया था और इस बार भी बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, गौतम भगवान बुद्ध की जन्म पर, उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों में पूरी और सब्जी का वितरण किया है। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।